मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों का बचना ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर का प्रकोप तो कम हो गया है, लेकिन डर तीसरी लहर का है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वार्ड भी बनाया गया है और उसके साथ ही बच्चों के माता पिता को वैक्सीन लगाना जरूरी है ताकि वो बच्चों के संक्रमित होने पर उनके साथ रह सकें। मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है, हमने ये फैसला भी किया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाए।